नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में सीएम ने प्रधान सचिव को हड़काया। बिहार को केंद्र से मिला 20,000 करोड़ की सौगात। जातीय जनगणना में ऐसे जानकारी जुटाएगी सरकार। फसल क्षति राशि के लिए आज से आवेदन की हुई शुरुआत। गुजरात के खिलाफ धांसू पारी खेलने के बाद रिंकू सिंह ने इस खिलाड़ी को दिया श्रेय। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में सीएम ने प्रधान सचिव को हड़काया। बिहार विधानसभा खत्म होने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार का पहला दिन था। ऐसे में बगहा से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि जनता दरबार के आदेश को भी कॉलेजों के अधिकारियों पर असर नहीं हो रहा है। उस फरियादी ने बताया कि 2021 में हम आपके जनता दरबार में आए थे, लेकिन आपके आदेश के बाद भी कॉलेज का प्राचार्य और यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं सुन रहा है। यह सुनकर सीएम परेशान हो गए और जब उनकी नजर प्रधान सचिव दीपक कुमार पर गई तो वे मोबाइल में लगे थे, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि आप मोबाइल देखते रहिए, जरा इधर भी देख लीजिए। जिसके बाद दीपक कुमार सीएम के पास पहुंचे। इसके बाद सीएम ने इस मामले को देखने को कहा। इसके साथ ही आज के जनता दरबार में प्रोत्साहन राशि को लेकर 3 शिकायतें की गई, जिस पर सीएम नीतीश ने प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को बुलाया और कहा किस तरह की शिकायतें अब नहीं आनी चाहिए, आखिर क्या दिक्कत है, यह सब देखिए। बिहार को केंद्र से मिला 20,000 करोड़ का सौगात। पथ निर्माण विभाग के द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में राज्य के कई जिलों में 500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन को विकसित किए जाने की भी योजना को शामिल कर दिया गया है। हालांकि सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की DPR केंद्र सरकार की ओर से सहमति दिए जाने के बाद तैयार की जाएगी। बता दें कि इस वर्ष केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना भेजी जाएगी। मालूम हो कि अब तक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भागलपुर से ढाका मोड़ तक की स्वीकृति दे दी जा चुकी है, वहीं अब ढाका मोड़ हसडीहा की स्वीकृति ली जाएगी। जातीय जनगणना में ऐसे जानकारी जुटाएगी सरकार। 15 अप्रैल से बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सरकार के द्वारा सभी जातियों का कोड निर्धारित किया जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप जातीय जनगणना के दौरान अपने घर पर नहीं होंगे तो इसमें भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना के दौरान आपके बाहर होने पर भी आसानी से सत्यापन कार्य को पूरा किया जा सकेगा। दरअसल ऐसे हालात में पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे वीडियो कॉल के माध्यम से सत्यापन का कार्य पूरा करें। अगर आप मूल घर वाले स्थान पर सत्यापन करवाना चाहते हैं तो घर में रहने वाले कोई सदस्य वीडियो कॉल के जरिए आपको जोड़ेंगे और वीडियो कॉल पर बात कराकर आपका सत्यापन होगा, तब जाकर सूची में जोड़ा जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए क्रमांक संख्या भी जोड़ा जाएगा। रामनवमी हिंसा को लेकर EOU की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। EOU की जांच के द्वारा रामनवमी के अगले दिन बिहार शरीफ में हुए हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। बता दें कि EOU की जांच में यह सामने आया है कि लोगों को उकसाने का काम सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर किया गया था। मालूम हो इस बात की जानकारी पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की जाँच EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जा रही है। इनके द्वारा किए गए खुलासे से यह बात निकल कर सामने आई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट के जरिए लोगों को उकसाने का काम किया गया था। हालांकि पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक इस मामले को लेकर 15 FIR दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही तकरीबन 104 नामजद और 100 अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अक्षरा सिंह का गांव की छोरी का लुक हुआ वायरल। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की तस्वीरें और वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। बता दें कि उनका एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका लुक गांव की एक लड़की के रूप में दिखाया गया है। मालूम हो कि अक्षरा सिंह की इस तस्वीर को उनके फैंस के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और साथ ही खूब कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। दरअसल अक्षरा सिंह का यह लुक उनकी आने वाली फिल्म बाबुल कर दे विदा आज तू प्यार से रिवील हुआ है। बता दें कि अपनी इस तस्वीर को खुद अक्षरा सिंह के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इस तस्वीर में अक्षरा सिंह सलवार सूट में नजर आ रही हैं। उनके इस सादगी भरे लुक को देखकर एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, नाइस मैम, सच में गांव शहर से बेहतर है। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फसल क्षति राशि के लिए आज से आवेदन की हुई शुरुआत। अगर आप भी उन किसानों में हैं जिनकी फसल आंधी बारिश ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि फसल क्षति राशि के लिए आज से आवेदन की शुरुआत कर दी गई है, यानी कि अब किसान अपने फसल क्षति की राशि पाने के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि इसके तहत असिंचित फसल के लिए 8500 प्रति हेक्टेयर और सिंचित फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। वहीं अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए राशि दी जाएगी।
ऐसे में असंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए और संचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2,000 रुपए सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। बता दें कि इसके लिए किसानों को state.bihar.gov.in/krishi/citizenhome.html पर जाकर आवेदन करना होगा। मालूम हो कि बिहार के जिस जिले में सबसे ज्यादा फसल की क्षति हुई है उनमें गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, रोहतास, शिवहर व मुजफ्फरपुर शामिल है। बिहार के 6 शहर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में हो रहा विकसित। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि राज्य के 6 ऐसे शहर हैं जहां लीगेस वेस्ट यानी डंपिंग यार्डों में वर्षों से जमा हो रहे लाखों टन ठोस कचरे को बायो माइनिंग द्वारा समाप्त किया जा रहा है। बता दें कि इसके तहत पहले इस कचरे को प्रोसेसिंग कर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और फिर उनका लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में लीगेस वेस्ट को बायो माइनिंग द्वारा समाप्त कर लिया गया है, तो वहीं पटना, गया और मुंगेर में इस पर काम किया जा रहा। दरअसल यह सभी काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के द्वारा राज्य सरकार को विस्तृत निर्देश पर किया जा रहा है। मालूम हो कि कचरे के ढेर को साफ करने के लिए कई निकायों में लीगेसी वेस्ट प्लांट लगाने का भी काम किया जा रहा है। बता दें कि कूड़े का निस्तारण करने के बाद वहां की भूमि इस्तेमाल योग्य हो सकेगी। राजगीर में RLJD का प्रशिक्षण शिविर। आगामी 28, 29 और 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजत की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम का नाम प्रशिक्षण शिविर दिया गया है। मालूम हो कि इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों के राजनीति के जानकार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। बता दें कि इस दौरान यह भी तय किया जाएगा कि पार्टी किस सिद्धांतों के साथ चलेगी और किस मुद्दे पर आगे काम करेगी। पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का यह बड़ा कार्यक्रम होगा। दरअसल नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक लव कुश वोट बैंक पर अपनी दावेदारी करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा 30 अप्रैल को राजगीर में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बिहार में मिले कोरोना के 42 नए मामले। बिहार में लगातार कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि बीते दिन यानी कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं। मालूम हो कि यह लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के 40 से अधिक मरीज सामने आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों मिले 42 मामलों में से 14 मामले बिहार की राजधानी पटना से सामने आए हैं, यानी कि अब पूरे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 145 हो गई है। वहीं अगर बात राजधानी पटना की करें तो पटना में अकेले कुल एक्टिव मामलों की संख्या 78 पहुंच चुकी है। मालूम हो कि आज प्रदेश के अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बिहार के सारण के CRPF जवान चंदन कुमार को मिला वीरता पुरस्कार। कश्मीर में 4 आतंकियों को ढेर करने के लिए बीते दिन यानी कि रविवार को बिहार के सारण जिले के छपरा सदर प्रखंड के फाकुली पंचायत के उमधा के रहने वाले और CRPF जवान चंदन कुमार को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि उन्हें यह वीरता पुरस्कार ऐसे बहादुरी भरे काम को करने के लिए बीते दिन शौर्य दिवस पर देकर सम्मानित किया गया। मालूम हो कि यह कार्यक्रम CRPF कैंप बसंत कुंज दिल्ली में आयोजित किया गया था। वहीं चंदन कुमार को यह सम्मान CRPF के DG के द्वारा वीरता पदक प्रदान करके दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदन कुमार जम्मू कश्मीर के सोपिया में 14वीं बटालियन के जवान के रूप में तैनात थे। उसी दरमियान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 4 आतंकियों को मार गिराया। मालूम हो कि इनकी वीरता के लिए इन्हें 26 जनवरी को ही सम्मानित किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें यह सम्मान 26 जनवरी के बाद राष्ट्रपति भवन में दिया गया और फिर 9 अप्रैल को उन्हें पदक प्रदान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह पर बरसे पप्पू यादव। बीते दिन जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के द्वारा बिहार के सहरसा में मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि ये बिहार है अमित शाह जी, इसको मत लटकाइए नहीं तो खुद लटक जाइएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के हर सवाल को पॉलिटिकल वेन डाटा मत बनाइए, सभी चीजों को लटकाने का प्रयास मत कीजिए नहीं तो आप भी लटक जाइएगा, हमेशा नफरत की भाषा पैदा मत कीजिए। उन्होंने कहा कि ED CBI को RSS का एजेंसी मत बनाइए। दरअसल ये सभी बातें पप्पू यादव के द्वारा बीते दिन VIP पार्टी के नेता स्वर्गीय दिनेश निषाद, RJD नेता स्वर्गीय राजकुमार शर्मा और समाज सेवी स्वर्गीय कमल शाह के घर पर मातम परिजनों को सांत्वना देने के बाद मीडिया से रूबरू होने के दौरान कहा गया। नीतीश तेजस्वी के पहनावे पर बोले ओवैसी। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर RJD की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पहनावे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
वहीं अब उनके पहनावे को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा तंज कसा गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के जिम्मेदार हिंदू तत्ववादियों को गिरफ्तार करने के बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार के CM और डिप्टी CM को फैंसी ड्रेस से फुर्सत नहीं मिल रहा। बता दें कि बीते दिन के इफ्तार पार्टी में डिप्टी CM तेजस्वी यादव भूरे रंग के पठान सूट और गोल्ड हरी टोपी पहने नजर आए थे। वहीं उन्होंने अपने हाथों से CM नीतीश को भूरे रंग की टोपी पहनाई। डिप्टी CM ने सभी अतिथियों को भी अलग अलग रंग की टोपी पहनाकर स्वागत किया था। गुजरात के खिलाफ धांसू पारी खेलने के बाद रिंकू सिंह ने इस खिलाड़ी को दिया श्रेय। बीते दिन IPL 2023 के 16वें सीजन के 13वें मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिंकू सिंह के धांसू बल्लेबाजी के बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए 3 विकेट से जीत हासिल की। वहीं मैच में जीत मिलने के बाद रिंकू सिंह ने अपनी धांसू बल्लेबाजी का श्रेय उमेश यादव को दिया। बता दें कि रिंकू सिंह ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि मैं उमेश के उन 4 शब्दों की वजह से मैं ऐसा कर पाया। उन्होंने कहा था, लगा रिंकू सोचियो मत। उसके बाद फिर क्या, रिंकू ने बल्ले से तबाही मचाते हुए यश दयाल पर जमकर छक्कों की बौछार लगा दी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सन्नी सहनी, कुश कुमार यादव, सदुल्लाह पलवी, विपिन लाल वर्मा, नौशद राजा, मोहम्मद सकीर हुसैन, कन्हैया कुमार, दीपक कुमार, राकेश कुमार, मनीष कुमार, श्रीवास्तव श्याम, कविता कुमारी, समर अमर, रंजीत मिश्रा, अंशुप्रिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार IPL 2023 में अब तक किस टीम के द्वारा सबसे रोमांचक तरीके से जीत हासिल की गई है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।